Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. पिछले हफ्ते एक ट्रेंड बड़ा ही कॉमन रहा, दैट वाज BCCI. रीजन क्या था? उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रोहित शर्मा को बना दिया। जनाब डिसीजन वैसे ऐसा कुछ बुरा नहीं था, आप और हम तो न जाने कब से कहते आ रहे थे कि अरे विराट कोहली शायद ICC टूर्नामेंट्स को जीतना नहीं जानते हैं, इसीलिए इनको रिप्लेस करना चाहिए, कोई नया कप्तान लेकर आना चाहिए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो आप और हम ट्विटर पर पहुंचते हैं और फिर ये कहने लगते हैं कि यार शायद ये फैसला गलत है। जी आप देख रहे हैं द चैंपियंस, मेरा नाम है वैभव और आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, वो इन कॉन्ट्रोवर्सीज से, इन सारी चीजों से हमेशा घिरे रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम विराट कोहली। ये इंडियन टेस्ट टीम इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हाल ही में ना चेंज किया गया और हमेशा अटकलें लगाई गई यार ICC टूर्नामेंट्स को नहीं जीत पाते, शायद ये वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि ICC टूर्नामेंट्स को जीत सके। इसीलिए आज मैं द प्लेयर विराट कोहली नहीं, आज मैं बात करने जा रहा हूं द कैप्टन विराट कोहली की। एक T20 वर्ल्ड कप खराब होता है, ये बंदा खुद उठता है, अपनी कप्तानी को साइड करता है, तब जब ये वर्ल्ड के उन 3 बेस्ट कैप्टन में से हैं जिनका विनिंग एवरेज 70 के ऊपर है, तब जब ये वो कप्तान हैं जिन्होंने हमें इंग्लैंड के यहाँ जाकर 2014 की और 2016 की सीरीज भूलने का मौका दिया इस 2021 में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जाकर ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया 2015 में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने का जो सपना था, टेस्ट सीरीज जीतने का जो सपना था, वो इनकी कप्तानी में पूरा हुआ। एंड हाँ, शायद हम लोग आजकल क्रिकेट से ज़्यादा MSD फैन, विराट कोहली फैन, सचिन तेंदुलकर फैन, सौरव गांगुली फैन बनकर रह गए। Be the true gentleman, Brewy. Be the true sports enthusiast.